वाराणसी में आज मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का जुटान हुआ, जहां मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि हरहुआ स्थित लॉन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी पहुंचे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जुटान हुआ। जेपी नड्डा वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आगे की रणनीति पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम की जाएगी। मेरठ किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो हर किसान मजदूर बन जाएगा। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिंदा रहना है तो अपनी जमीन को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आजम खान और गायत्री प्रजापति के बाद अब सपा सरकार के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने पूर्व कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मनोज पांडे के खिलाफ शासन से खुली जांच की अनुमति मांगी है। उन पर नियम विरुद्ध अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें हथियाने का आरोप है। कोरोना और बर्ड फ्लू वायरस से देश अभी उभर नहीं पाया है कि कानपुर में एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। घाटमपुर इलाके के क्योटरा गांव में पार्वो वायरस की दस्तक से एक सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा कुत्ते मर चुके हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है। बांदा के बबेरू कस्बे में रहने वाले एक 50 वर्षीय किसान खेतों पर गए हुए थे और दोपहर तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजन खेत पर जाकर देखा तो संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। तभी परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं परिजन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बस्ती सदर कोतवाली के शिवा कॉलोनी में सरकारी डॉक्टर की फंदे से लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर मणि प्रकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फंदे से लटकती लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बसंत पंचमी से चल रही हरिद्वार कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान माघ पूर्णमासी को हुआ। बांके बिहारी की नगरी में धूमधाम से शाही पेशवाई निकाली गई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह पर स्वागत किया। कुंभ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। संतों की शाही पेशवाई में सबसे आगे ध्वज पताका पर विराजमान हनुमान जी ने नेतृत्व किया। अलीगढ़ के किशनपुर के पास के हॉस्पिटल में प्रसव को आई महिला के तीमारदार और डॉक्टर स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि अब तक SSP मुनिराज के आदेशानुसार एक सिपाही और होमगार्ड को निलंबित किया जा चुका है। वहीं तीमारदार पक्ष के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है।